डोंट लेट दिस स्ट्रेस अफेक्ट योर लाइफ. लो टेस्टोस्टेरोन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. क्या आपको कभी कभी लगता है आपके अंदर एनर्जी कम है, कोई टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, लो फील हो रहे हो इवन आफ्टर हैविंग गुड स्लीप? तो ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन. और आप अकेले नहीं हो, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है. तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ 5 ऐसे टिप्स शेयर करने वाला जो आपकी बहुत मदद करेंगी, नेचुरली मदद करेंगी टू इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन. हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में. हम हमारे इस चैनल पर बाल, बॉडी और बियर्ड के रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं आपके लिए. तो हम 5वें पॉइंट से शुरू करते हैं, द विनर माइंडसेट. कुछ बोलने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं क्रिस्टियानो रोनाल्डो. आर यू द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ? आई थिंक सो, यस. In my mind, I'm always the best. क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मेंटालिटी कैसा है? उसको लगता है कि आई एम ऑलवेज द बेस्ट, इररेस्पेक्टिव मैं जीतूं मैं हारूं. कभी कभी ऐसे होता है, मुझे भी लो फील होता है, लेकिन यू ऑलवेज नीड टू टॉक पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ, पॉजिटिव सेल्फ टॉक. अगर आप खुद के बारे में नेगेटिव बातें करोगे ना, द सेम थिंग्स विल हैपन विद यू. तो इसलिए कभी भी अपने साथ नेगेटिव बात मत कीजिए. तो जैसे आप अपने साथ पॉजिटिव बातें करोगे, आपके अंदर वो विनर मेंटालिटी आएगी. जैसे जिम जाना है, वर्कआउट कंप्लीट करना है, ये आपको एक डोपामाइन राइज देगा और आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, मैंने कोई टास्क कंप्लीट की है. विनर माइंडसेट. नॉट नेसेसरी आपको जिम ही जाना है. बहुत सारे लोगों को जिम या वर्कआउट करना पसंद नहीं है. आप फुटबॉल खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो. अगर आपको स्विमिंग पसंद है, स्विमिंग कर सकते हो. डांस पसंद है, डांस कर सकते हो. जस्ट डू व्हाट यू लव एंड उस ना काउच पर बैठे मत रहना मोबाइल स्क्रोल करते हुए. गो आउट. अगर आपको बात करना पसंद है तो वीडियोस बनाओ. जैसे आप कोई टास्क कंप्लीट कर दो ना, आपको खुशी होगी, यू विल फील प्राउड अबाउट योरसेल्फ और ये आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कराएगा, बूस्ट हो जाएगा. अब 14 पॉइंट है आपका न्यूट्रिशन इनटेक. मुझे पता है सब लोगों को खाना अच्छा लगता है. हम इंडियंस है, हम मस्त तड़का डाल के खाना बनाते हैं, वो पाव भाजी, समोसा, वड़ा पाव. मैं मुंबई से हूँ, हमें ये चीज बहुत अच्छी लगती है खाने के लिए. आप खाइए, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मंडे टू फ्राइडे थोड़ा सा एक अच्छा डिसेंट डाइट, अच्छा घर का खाना ये फॉलो कीजिए. तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी में अच्छा डाइजेशन होगा, आपके स्किन पे रिएक्शंस नहीं आएंगे, क्योंकि आप बाहर का खाना खा जो आप खाते हो वो बहुत ऑयली होता है. ये आपको लेजी बना देता है और आपको कुछ काम करने का मन भी नहीं करता. और सिंस वी आर इन द सोशल मीडिया वर्ल्ड, हम अच्छे से खाना खाते हैं, जोमैटो है, स्विगी है, और बैठ के स्क्रोल करते रहते हैं, कोई एक्टिविटीज नहीं होता है. फिर हमको लो फील होता है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक बात नहीं करते, हम एनर्जी लो हो जाती है. सो दोज आर द रीजंस व्हाई टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है. आप देखते हो इसका लिंकिंग क्या है. आप बाहर का खाना खाते हो, ऑयली, आपको लेजी बनाते हैं, आप बैठ के स्क्रोल करते हो. सो दीज आर लिंक टुगेदर टू लो टेस्टोस्टेरोन. तो मंडे टू फ्राइडे आप एक डिसेंट डाइट फॉलो कीजिए, घर का खाना खाइए, दाल रोटी चपाती, एंड देन फ्राइडे को थोड़ा एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ. तो मैं भी कुछ ऐसे ही करता हूँ. मंडे टू फ्राइडे आई सी टू इट कि आई हैव अ गुड डाइट, एंड ऑन फ्राइडे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, एंड आफ्टर दैट यू नो आई गो आउट विद माई फ्रेंड्स, थोड़ा खा लेता हूँ पनीर या चिकन या समथिंग दैट आई लाइक. जैसे आप इन चीजों को करोगे, आपकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी एंड आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा. अब तीसरा पॉइंट बहुत जरूरी है, प्रायोरिटाइज योर स्लीप. सिंस हम एक सोशल मीडिया वर्ल्ड में, नेटफ्लिक्स पर हम मूवी देखते हैं, फोन पर इंस्टाग्राम स्क्रोल करते रहते हैं, तो वो नींद नहीं मिल पाती है हमें. अगर हमें नींद नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी रिकवर नहीं हो पाएगी. आप वो कनेक्शन देख रहे हो, अगर आप रोज बाहर का खाना खाते हो, बॉडी में डाइजेशन नहीं हो रहा है, रात को सो नहीं पा रहे हो बराबर क्योंकि स्क्रोल करते रहते हो, और लाइट्स हमारे आंखों पर जाती है, स्ट्रेस बढ़ता है, नींद नहीं आती है, तो टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली लो हो जाते हैं. आपको आपका स्लीप अच्छे से प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं वर्कआउट करने के लिए सुबह जाता हूँ, 5 o'clock को उठता हूँ मैं. सो व्हेन आई डू दिस, रात को 10 बजे तक मैं टायर्ड हो जाता हूँ, मैं कंप्लीटली यू नो आफ्टर डूइंग दोज एक्टिविटीज, रनिंग, प्लेइंग फुटबॉल, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ और स्टैमिना बचता ही नहीं है कि रात को फोन स्क्रोल करने के लिए. बट लेकिन मैं ये करता था वीकेंड्स पे, यू नो नेटफ्लिक्स बैठ के देखना, लेकिन वीकडेज में मत कीजिए ये चीज. एटलीस्ट 4 days यू नो प्रायोरिटाइज योर स्लीप, सोना बहुत जरूरी है. अगर आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर होगी, फूड आप अच्छा दोगे, तो आपकी बॉडी अच्छा टेस्टोस्टेरोन बनाएगी नेचुरली, आपको कुछ बाहर से लेने की जरूरत नहीं है. दूसरा पॉइंट गाइस इतना जरूरी है, यू हैव टू मैनेज योर स्ट्रेस इफेक्टिवली. अब सब कुछ ना मॉनिटरी हो गया. आप काम पे जाते हो, आपके पास टारगेट्स है. मैं खुद सेल्स में काम करता हूं, तो मुझे पता है यू नो एवरीथिंग इज लिंक्ड टू योर टारगेट्स, नंबर्स लाने हैं, तो स्ट्रेस है. इवन फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन स्कूल और कॉलेजेस, उनको पास होना है, नंबर्स लाने हैं, यू नो स्कोर गुड मार्क्स, फिर जॉब पे जाना है, तो स्ट्रेस हर किसी को है. डोंट लेट दिस स्ट्रेस अफेक्ट योर लाइफ. अभी मैं आपको मेडिटेशन सब करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं खुद नहीं करता मेडिटेशन. मैं ट्राई करता हूँ सुबह ऐसे बैठने के लिए, बट मेडिटेशन मैं नहीं कर पाता फ्रैंकली स्पीकिंग. लेकिन मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर्स क्या है, जिम है, रनिंग है, फुटबॉल है, स्पैनिश लर्निंग, मैं स्पैनिश पढ़ रहा हूँ. सो दीज थिंग्स आर स्ट्रेस बस्टर्स. यू नीड नॉट कैरी योर वर्क. अगर आप 9 to 5 करते हो मेरे जैसे,
5 o'clock के बाद यू नीड नॉट कैरी योर वर्क ऑन योर हेड, छोड़ दीजिए उसको, दोस्तों से बात कीजिए, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो गो फॉर सम कॉमेडी शोज, थोड़ा चिल मारिए, तो इससे क्या होगा आपका स्ट्रेस कम रहेगा एंड देन टेस्टोस्टेरोन भी ऑटोमेटिकली नेचुरली बूस्ट हो जाएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट है अवॉइड टू मच अल्कोहल। दारू सबको पसंद है, अच्छा खाना भी सबको पसंद है, बट है ना रोज मत दारू पीना, यू आर हर्टिंग योर सेल्फ। इससे क्या होता है, पहले मैं मेरे दोस्तों के साथ रहता था, एक कॉमन शेयर्ड रूम था, तो मेरे कोई दोस्त रोज वो लोग विस्की लेके बैठे रहते थे, विस्की और कुछ चखना खाने के लिए रोज, और एक और बंदा था रोज 3 बॉटल बियर तो पीता ही था वो। तो इससे क्या होता है गाइस, यू नो एवरीथिंग इज लिंक्ड, अगर आप रोज ये सब चीजें करोगे ना करोगे तो आपका आपकी बॉडी, यू नो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इससे आप ही को प्रॉब्लम होगा, एवरीथिंग विल बी लो, यू विल फील सैड, यू विल फील डिप्रेस, आपको करने का कुछ मन नहीं करेगा, आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करोगे इसकी वजह से। तो पीजिए अल्कोहल, बट यू नो व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स, और इतना भी मत पीजिए कि आप फुल टल्ली हो गए, रास्ते पे गिर गए, हैव अ लिमिट, बैलेंस में कीजिए। अल्कोहल की वजह से बहुत टेस्टोस्टेरोन रिडक्शन होता है, सब चीज मॉडरेशन में कीजिए, बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ। अगर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही होगी, मेक श्योर यू चेक दिस वीडियो आउट।